नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर चलिए डिस्कस करते हैं आज जॉन किड्स को और इसके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आई हूँ जो आपके हर एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल रहेंगे चाहे आप स्टेट का टेट लेवल दे रहे हो या के या डी ट्रिपल एस इवन आपके यू नेट में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सबसे पहला क्वेश्चन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर आकर्सिन ये एक लाइन है ये हमें बताना है कि किड्स के कौन से वर्क से ली गई हैं अब देखिए इसमें जितने भी वर्क हैं वो किसके हैं जॉन किड्स के हैं ओड ऑन अग्रेशन आन, और टू ऑटम और टू साइकी एंड एंडीम्योन तो इसमें एंडीम्योन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है और इसको कब पब्लिश किया गया था अठारह में इसको पब्लिश किया गया था सेकेंड थिंग क्या है कि इसको किस में लिखा गया है कौन से कपलेट में लिखा गया है जो इसका राइमिंग कपलेट है उसको आई एम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है आई पेंटामीटर ठीक है ये बात ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखिए जॉन किड्स पोएम ओ टू अइट इंगेल वॉज कम्पोज इन जॉन किड्स की एक पोएम है ओ टू अइट इंगेल ये कब लिखी गई थी 1818 19 20 और 21 तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा 1819 में इसको लिखा गया था ठीक है नेक्स्ट द वर्ड्स वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग ए वेयर आर दे अकर इन ये लाइन्स हैं ये कौन से वर्क में आती हैं तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ओट टू ऑटम में ये लाइन्स देखने को मिल जाएंगी और 1819 में ही इसको क्या किया गया था कंपोज किया गया था लिखा गया था लेकिन 1820 में इसको पब्लिश किया गया था बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखेंगे किड्स के जितने भी ओड्स हैं उनको तो आप अच्छे से कर लेंगे क्योंकि उनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इन किड्स पोइटिक करियर द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर वॉज सबसे अच्छा प्रोडक्टिव ईयर कौन सा रहा है जिसमें उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे हैं अठारह सौ सोलह सत्रह बीस और उन्नीस तो इसमें हमारा अठारह सौ उन्नीस जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा जिसमें उन्होंने फाइव ओड्स लिखे थे क्या लिखे थे फाइव ओड्स लिखे थे तो इसलिए इनका ये प्रोडक्टिव ईयर माना जाता है वन किट्स अबाउट द बिक्र फुल ऑफ द ब्लश फुल्पोक्रीन तो हिपोक्रीन इज तो हमें बताना है कि वो जो बिक्र फुल लिखा था उन्होंने बिक्र फुल के बारे में लिखा था उसमें हिपोक्रीन था तो हिपोक्रीन क्या है द फाउंटेन ऑफ द ओर्स एंड अस्प्रिंग सेक्रेट टू द म्यूजीज तो ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है इसलिए ऑप्शन ए एंड बी क्या आ जाएगा करेक्ट आ जाएगा नेक्स्ट देखिए हु इज़ जॉन किड्स सिलवान हिस्टोरियन सिलवान हिस्टोरियन जैसे ही आता है आपको रिकॉल तो हुआ होगा कि आपने बी में भी इसके बारे में पढ़ा हुआ है ठीक है और टू अ ग्रेशन ऑन हमारे पास इसमें एक पॉइम थी ठीक है तो फैनी ब्राउन नाइटिंगेल द ग्रेशन ऑन द ब्रिज ऑफ क्वाइटनेस तो द ग्रेशन ऑन हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा जिसको सिलवान हिस्टोरियन बुलाया गया है होम डीड किट्स रिगार्ड एज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो किट्स हैं उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम एग्जाम्पल किस को माना है आंसर रहेगा विलियम शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर को उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का प्राइम uh, एग्ज़ाम्पल माना है शिडअल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई रोड किट्स इन वन ऑफ हिज ओड्स यानी कि ये किसी ओड की हमारे पास लाइन है और ये पूछा गया है कि ये रेफरिंग टू किस को रेफर करती है इंडोलेंस ऑटम मेलनकली और साइकी तो मेलनकली इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये लाइन जो है किस ओड से ली गई है तो ओड ऑन ओड ऑन मेलनकली इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है ओड ऑन मेलनकली नेक्स्ट देखिए डैश द वेरी वर्ड इज़ लाइक अबेल टू टेल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल सेल्फ विच वर्ड यानी कि ये जो दो लाइन हमारे पास हैं इन दोनों लाइन्स में से दोनों लाइन में एक जो ब्लैंक है उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा बर्ड इमोटल फोलॉन और फैंसी तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा फोर लॉन ठीक है नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम बाय कीट्स यूज द स्पेंसेरियन स्टेंजा हमें बताना है कि किसके अंदर कीट्स ने स्पेन्रियन स्टेंजा को यूज़ किया है अब इसमें स्पेंसेरियरियन स्टेंजा को भी आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे एंडीमियन द फॉल ऑफ हाइपेरियन द से इवनिंग ऑफ सेंट एग्निस और लैमिया तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा द इवनिंग ऑफ सेंट एग्निस ठीक है ये क्या था इसके अंदर फोर्टी टू जो हैं लिखे गए हैं फोर्टी टू स्टैंड इज़ अ पॉइम ऑफ फोर्टी टू स्टैंड और इसको अठारह सौ उन्नीस में लिखा गया था और सेम हमारे पास अठारह सौ बीस में इसको पब्लिश किया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है द इवनिंग ऑफ सेंट एग्निस इसको आप अच्छे से समरी को देख लेंगे नेक्स्ट देखिए द आईलैंड सेटिंग ऑफ लेटमोस फिगर्ड इन किड्स जो ये आइलैंड सेटिंग है लेटमोस की वो किड्स के कौन से वर्क में दिखाई देती है तो क्वेश्चन ऑप्शन uh, है एंडीमियन ऑफ द फोल ऑफ इवनिंग ऑफ सेट लेमिया तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा एंडिमियन, ठीक है एंडिमियन में आपको ये देखने को मिलेगी अभी बताया था एंडिमियन कब पब्लिश हुआ था 1818 में विद वट द स्पीकर क्लेम टू बी हाफ इन लव इन ओ टू नाइटिंगेल ये um, एक पॉइम है ओ टू द नाइट इसमें यह पूछा है कि स्पीकर किसके साथ क्लेम करता है टू बी इन टू बी हाफ इन लव ठीक है द नाइट इंगल्स हॉन्टिंग मेलोडी द स्कैंटिंग फ्लेवर ऑफ अर्ली समर द नाइट स्काई एंड ऑल द स्टार्स द पीस दैट कम्स विद डेथ तो इसमें हमारे पास डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा द पीस दैट कम्स विद डेथ डेथ के साथ जो पीस आती है उसके साथ जो पॉइट है वो क्या है हाफ इन लव है नेक्स्ट देखिए वन ऑफ द मोस्ट क्योटेड स्टेटमेंट्स ऑन पोइट्री बाय जॉन किट्स इज रिप्रोड्यूस्ड विद ब्लैंक्स बिलो हमारे पास एक कुछ लाइंस दी हुई हैं उस लाइन में इसने ये कहा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योट थी uh, किसकी जॉन किट्स की कंप्लीट द स्टेटमेंट्स विद करेक्ट वर्ड्स इफ पोइट्री डैश एज नेचुरली एज द लिवस टू अ ट्री इट डैश एट ऑल तो इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन फिल करना है इफ़ पोएट्री डज नॉट कम एज नैचुर एज द लिव्स टू अ ट्री तो इसमें हमारे पास डज नॉट नहीं था ये था कि इफ पोएट्री कम नॉट इफ पोएट्री कम नॉट ठीक है एज़ नेचुर एज़ द लिवस टू अ ट्री इट डैश एट ओल इट हैड बेटर नॉट कम ऐट ऑल तो इसका सी ऑप्शन क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा यानी कि पोइट्री अगर पेड़ों के पत्तों की तरह नेचुरली नहीं आती है तो इससे बेहतर यही है कि वो ना ही आए यानी कि हमें उसमें कुछ भी फॉर्मेलिटी uh, नहीं करनी है जानबूझ कर पोट्री नहीं ला सकता है कोई भी अगर वो नेचुरली नहीं आ रही है तो उसको रहने ही दो इससे अच्छा है कि वो ना आए नेक्स्ट देखिए इन स्पाइट ऑफ इज ट्रांसीडेंटल जीनियस किड्स नेवर वॉज नोर एवर विल बी अ पॉपुलर पोइट सेड शैली वाई डिड शेली कमेंट सो कह रहा है कि इन स्पाइट ऑफ इज ट्रांसीडेंटल जीनियस किड्स नेवर वॉज नोर एवर विल बी अ पॉपुलर पोइट तो ये जो है शैली ने कहा था ये भी याद रखेंगे कि ये लाइन किसने कही थी ये लाइन शैली ने कही थी पी वी शैली ने तो ये लाइन जो है आ, किस वजह से कही थी वाई डिड शली सो कब क्यों की थी ये ठीक है तो है किड्स पोइट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट मेच्योरिटी किड्स डाइड यंग किड्स रोट ओनली ओड्स एंड किड्स पोइट्री इज डिवाइड ऑफ द रेवोल्यूशनरी स्पिरिट तो इसमें हमारे पास ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा डी ऑप्शन किड्स पोइट्री इज डिड ऑफ रेवोल्यूशनरी स्पिरिट तो डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा नेक्स्ट देखिए जॉन किड्स डेडिकेटेड एंडीम्योन टू एंडीम्योन को उन्होंने किस को डेडिकेट किया था द मेमोरी ऑफ स्पेंसर द मेमोरी ऑफ बैकन द मेमोरी ऑफ जॉन मिल्टन द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन तो इसमें हमारे पास द मेमोरी ऑफ थॉमस चैटरटन इसका करेक्ट आंसर रहेगा थॉमस चैटरटन किड्स एड्रेस द ग्रेशन अर्न एज एन एटिक शेप ठीक है इसने किड्स ने ग्रेशन अन्न को क्या बुलाया है एटिक शेप बुलाया है इन इज ओड ऑन अ ग्रेशन अन बिकॉज इट वॉज़ यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्यों कहा गया है बिकॉज़ इट वॉज़ फ्रॉम ग्रीस तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये ग्रीस से आया हुआ अन्न था ठीक है ये बहुत ही सुंदर था उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरह की कारीगरी की गई थी और वो किसको शो करती हैं ग्रीस कारीगरी को शो करती हैं इसलिए हमारे पास लिखा गया है कि बिकॉज इट वॉज़ फ्रॉम ग्रीस इसीलिए उसको बोला है ग्रेशियन अर्न वट अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अर्न रिमेन टू मैन वेन ओल्ड एज शेल हिज जनरेशन वेस्ट चार ऑप्शन हैं अ फॉर गोटन हिस्टोरियन अ फ्रेंड अ साइलेंट स्पेक्टेटर ऑफ हिज वोज एंड आर्ट डिसोलेट तो इसमें हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा अ फ्रेंड ठीक है वट अकॉर्डिंग टू किड्स विल द अर्न रिमेन टू ओके रिमेन टू मैन तो वो क्या रहेगा अ फ्रेंड रहेगा नेक्स्ट देखिए द अन इन किड्स ओड ऑन अग्रेशन अन इज एड्रेस्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस उसको जो है क्या बुलाया गया है ओड ऑन अग्रेशन अन को ऑप्शन हमारे पास है एटिक शेप बोल्ड लवर ग्रीन ऑल्टर मिस्टीरियस प्रिस्ट तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा एटिक शेप उसको बुलाया गया है ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है द डिस्क्रिप्शन दैट डज नॉट रेफर टू द किड्स और ग्रेशियन अन इज इसमें से क्या उसको नहीं बुलाया गया है देखो द सिल्वन हिस्टोरियन हमारे पास आ चुका एंड एटिक शेप भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसको अ कोल्ड पेस्टोरल भी बुलाया गया है इसलिए हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन जो होगा अ मिस्टीरियस प्रेस्ट इसको नहीं बुलाया गया है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा टू वट काइंड ऑफ एंड ऑल्टर डज द प्रिस्ट लीड द गार्लेंडेड हैफर इन किट्स ओड ऑन ग्रेशियन अन अब इसको थोड़ा और इलेबोरेट करते हुए ये पूछ रहा है कि उसके अंदर ऑल्टार होता है जैसे जहाँ पर समाधि हो दी जाती बलि दी जाती है वहाँ पर प्रिस्ट जो है एक गार्लेंडेड हैफ़र बकरी के बच्चे को लेकर के जा रहा है बछड़े को लेकर के जा रहा है तो उसमें ये पूछा गया है कि वट काइंडफ़ ऑल्टार डज इट ठीक है तो अ स्मॉल टाउन चर्च अ ग्रीन ऑल्टार एंड ऑल्टर इन आर के डी अ अ तो इसमें ग्रीन ऑल्टारेटार क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा अ ग्रीन ऑल्टार ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर इज हेलेनिक स्पिरिट हेलेनिक स्पिरिट के लिए कौन जाना जाता है लॉर्ड बायरन पी वी शैली साउदी और जॉन किड्स तो इसमें जॉन किड्स हमारे पास क्या रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा जो हेलेनिक स्पिरिट uh, के लिए जाने जाते हैं हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हमें बताना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है किस लाइन किस वर्क से इसको लिया गया है इसमें हमारे पास रहेगा ऑड ऑन आरेशन अन ठीक है तो आप ओल्ड ऑन अग्रेेशन अन को तो बहुत अच्छे से कर लीजिए इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं शी कैन नॉट फेड दो दो हैजंट नॉट द एब्लिस फॉरएवर बिल्ड द लव एंड शी बी फेयर तो ये पूरी एक लाइन है These दीज लाइन्स ode on ऑन अग्रेशन आन रेफर टू तो ये पूछा गया है कि ये किस चीज़ को शो करती है तो परमानेंस ऑफ आर्ट यानी कि उसमें ये कहा गया है कि आर्ट जो है वो तो सदियों सदियों तक जिंदा रहेगी मैन तो जिंदा नहीं रहता मैन तो क्या है मॉटल है लेकिन आर्ट जो है वो इमोटल है वो इसमें कहा गया है इट शी कैन नॉट फेड आर्ट जो है वो फेड नहीं होगी विच ऑर द फॉलोइंग राइटर इज नोटेड फॉर वट कीट्स कोल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी इसमें पूछा गया है कि किस राइटर को उन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी के लिए बताया है तो चार ऑप्शन हैं अभी हमने डिस्कस भी किया था कौन आ जाएगा शेक्सपियर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट देखिए विद विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट डू वी एसोसिएट द पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोएट्री पिक्टोरियल क्वालिटी ऑफ पोइट्री को जो है हम किसके साथ एसोसिएट करेंगे कि जो पोइट्री लिखते थे उसमें पिक्चराइजेशन हो जाता था पिक्टोरियल क्वालिटी ज़्यादा होती थी तो उसमें रहेगा वर्ड्स वर्थ किड्स शैली और मिल्टन तो किड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा ईजी हो जाता है ये पहचानना कि हाँ किड्स आंसर होगा लेकिन जब पेपर में हम पढ़ रहे होते हैं इस चीज़ को तो वहाँ थोड़ी डिफ़िकल्टी आ जाती है तो इसको थोड़ा सा आप रिलेट करा लीजिए मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि ग्रेशन अन के बारे में हमने पढ़ा था तो उसमें वो क्या है एक मान लीजिए कि एक पिक्चर देख रहे हैं हम तो उसको पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं ग्रेषन को तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि पिक्चर क्वालिटी के साथ जो है पोइट्री बनाने वाले कौन हैं वो किड्स हैं नेक्स्ट देखिए जॉन मिल्टन डाइड एट द एज ऑफ जॉन मिल्टन सॉरी जॉन मिल्टन जो थे वो किस एज में मर गए थे नहीं भाई हम जॉन किड्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे किड्स कर देंगे इसको ठीक है जॉन कीट्स डाइड एट दी एज ऑफ तो इसमें हमारे पास ट्वेंटी सिक्स जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा जॉन कीट्स जो थे वो ट्वेंटी सिक्स की एज में मर गए थे ठीक है और ये बहुत ही कम एज थी जॉन किट्स डाइड ऑफ जॉन किट्स किस वजह से मर गए थे अब यहाँ पे हमें उसका रीजन बताना है कोलेरा कंजम्पशन टाइफाइड और रेनल फेलियर तो इसमें कंजम्पशन जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है नेक्स्ट देखिए द लाइन दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोटल बर्ड अकर्स इन अब ये लाइन है ये बतानी है कि किस वर्क में जॉन किट्स के आया हुआ है टू द नाइटिंगेल ओ टू नाइटिंगेल एंड डार्कलिंग ट्रश तो इसमें हमारे पास फर्स्ट जो है टू इसका करेक्ट आंसर रहेगा द लाइन दो वॉज नॉट बोर्न फॉर डेथ इमोर्टल बर्ड द ओड ऑफ किड्स आर बताना है हमें कि किस फॉर्म में जो है ओट्स लिखे गए थे रेगुलर इरेगुलर बोथ रेगुलर और इरेगुलर एंड नीदर रेगुलर नोर इरेगुलर तो हमारे पास ये करेक्ट आंसर रहेगा कि उन्होंने रेगुलर में जो है अपने ओट्स लिखे थे किड्स पोएम ला बेला सेंस मर्सी इज अ बैलिड अ सोनेट एंड ओड और एन एलिजी तो ये हमारे पास क्या रहेगा एक बैलड रहेगा ठीक है ला बेल डैम सेंस मर्सी एक क्या था बैलेड था ठीक है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं प्योर पोइम ऑफ रोमांस एंड मिस्ट्री है ठीक है थीके? इसमें रोमांस uh, और मिस्ट्री को खूब अच्छे तरीके से बताया गया है द ईयर डैश वॉज द कल्मिनेटिंग पॉइंट इन किड्स करियर किड्स के करियर में जो है कौन सा ईयर जो था कल्मिनेटिंग पॉइंट रहा है वही अभी आ गया दोबारा से अठारह 18, 19 और 21 तो इसमें 1819 सौ क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा देखिए क्वेश्चंस तो वही हैं लेकिन कहने का तरीका इन्होंने बदल दिया पूछने का तरीका बदल दिया तो इसी तरीके से आपको इसको याद करना है 1819 इनका कलमिनेटिंग पॉइंट रहा था ठीक है और वहाँ पे 1821 में जो है इनकी डेथ हो गई थी 1821 में और कितने साल के थे ये 25 साल के थे 26 में एंटर कर चुके थे तो कहेंगे कि 26 साल की एज में वो मर गए थे विच पॉइम ऑफ जॉन किर्स हैज द थीम ऑफ अ फैटल मैजिकल लव लरिंग मैन टू हिज डूम तो किसमें हमारे पास ये सब चीज़ें मिल जाती हैं थीम है उसमें ठीक है द इवनिंग ऑफ सेंट एग्निस ला वेल डैम सेंस मर्सी और टू साइकी ओड ऑन अ ग्रेशियन अन तो इसमें हमारे पास बी जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ला वेल डैम सेंस मर्सी द फ्रेज़ नेगेटिव कैपेबिलिटी इज़ एसोसिएटेड विद अब इसमें पूछा गया है किससे रिलेट करती है तो देखिए अगर हमारे पास शेक्सपियर के जॉन किड्स जो हैं वो कहते हैं कि किससे रिलेटेड है तो हम शेक्सपियर को चूज़ करेंगे लेकिन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि नेगेटिव कैपेबिलिटी किस पॉइंट से बिलोंग करती है तो हमारे पास जॉन किड्स इसका आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज यस आई मस्ट पास दैम फॉर अर नॉबलर लाइफ वेयर मे फाइंड एगोनीस द स्टाइप ऑफ ह्यूमन हार्टस विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोय पोएट्स क्रिएशन डू यू फाइंड इन दीज लाइन्स तो इसमें चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं रोमेंटिक क्वालिटी ह्यूमनिटेरियन मलनकली और सेंसुअसनेस तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ह्यूमैनिटेरियन ठीक है ह्यूमनी इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए इन विच ऑफ वंडर्स डू आई मेक और स्लीप ठीक है डू आई मेक और स्लीप या तो मैं काम करूं या सो जाऊं ये किस में लाइन uh, ली गई है ठीक है ओर टू ग्रेशन अन ओर टू साइकी ओर टू नाइटिंगल एंड नन ऑफ दीज डीज तो इसमें हमारे पास सी uh, ऑप्शन जो रहेगा करेक्ट रहेगा ओ टू नाइटिंगेल जिसमें इसमें ये कहा है डू आई मेक और स्लीप हेयर लाइज वन हुज़ नेम वीट इन वॉटर हु इज हेयर स्पोकन ऑफ यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है कि हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रीट इन वॉटर जिसका नाम जो है पानी पर लिखा गया है शैली आर्लंड आर्नोल्ड एंड वर्सवर्थ एंड किड्स तो ये किड्स के बारे में लिखा गया है ठीक है नेक्स्ट देखिए विच वॉल्यूम ऑफ पोइट्री बाई किड्स कंटेंड अपन तो कौन से वॉल्यूम में जो है किर्स ने क्या लिखा था पॉइम लिखी थी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ वॉल्यूम तो इसमें थर्ड वॉल्यूम जो रहेगा करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है जिसके ये क्या था कि ये 1820 में इन्होंने लिखा था थर्ड वॉल्यूम ठीक है कंटेनिंग लैमिया हाइपेरियन एंड अदर बीन पब्लिश पोएम्स ठीक है तो हाइपेरियन जो है इनकी एपिक पोएम थी हाइपेरियन ये याद रखेंगे हाइपेरियन इनकी क्या थी एक एपिक पोइम थी जो उन्होंने 1820 में लिखी थी और इसके अंदर थर्ड वॉल्यूम में ये लिखी थी नेक्स्ट देखिए किड्स वाज अ विक्टिम ऑफ अ रैप ऑन द नकल्स द अंडरलाइन एडियम डिनोट्स इसमें से बताना है रैप ऑन द नक विक्टिम ऑफ रैप ऑफ ऑन द नकल्स में कौन सा एडियम uh, है तो एप्रिशिएशन सपोर्ट्स फीयर क्रिटिसिजम एंड लाउड अप्रूवल तो इसमें हमारे पास रहेगा स्वीयर ठीक है विक्टिम ऑफ रैप ऑन द में स्वीयर क्रिटिसिज्म है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द नेम ऑफ द ऑथर ऑन हुज ग्रेव द वर्ड्स ही चोज हिमसेल्फ आर कार्ड ये वर्ड्स किड्स ने खुद अपने लिए सेलेक्ट किए थे ठीक है और ये क्या थे हेर इज वन हुज नेम इज इन वॉटर अभी जो आया था तो इसमें आ जाएगा किड्स हमारा करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखिए फॉर विच प्रोफेशन जॉन किड्स हैड लाइसेंस बट नेवर प्रैक्टाइज इट उसके पास लाइसेंस तो था किड्स के पास लेकिन उन्होंने कभी उसको प्रैक्टिस में नहीं लिया तो वो क्या था फार्मासिस्ट उनके वो एक बहुत बड़े फार्मासिस्ट भी थे उनके पास लाइसेंस भी था ठीक है लेकिन उन्होंने इसको कभी भी यूज नहीं किया अगर वो अच्छे राइटर नहीं होते तो वो एक फार्मासिस्ट जरूर होते विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज ट्रांसलेटेड बाई जॉन किट्स इनमें से कौन सी पोइम थी जो जॉन जो किट्स ने ट्रांसलेट की थी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये एनियड इलियड ओडिसी और वलगेट तो एनियड इनका करेक्ट आंसर रहेगा एनियड जो है किर्ट्स ने ट्रांसलेट की थी वट कोज कोज जॉन किड्स डेथ जॉन किट्स की डेथ का क्या रीजन था तो इसमें रहेगा ट्यूबर क्लोसेज टी ठीक है ट्यूबरक्लोसिस या कंजम्पशन आपसे पूछा जाए अगर ट्यूबरक्लोसिस की जगह कंजम्प्शन हो जैसे पहले हमारे पास एक ऑप्शन में मैंने बताया था आपको तो वो उनकी बीमारी थी और उस वजह से उनकी डेथ हो गई थी हु सेड गिट्स वॉज अ ग्रीक ग्रीक जो है किड्स को किसने बुलाया था हमारे पास चार ऑप्शन हैं वर्सवर्थ कॉलरिज लैम्ब और शैली तो इसमें शैली जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहेगा पी बी शैली ठीक है नेक्स्ट देखिए द मोस्ट नोटेबल करेक्टरिस्टिक ऑफ किड्स पोइट्री इज किड्स की पोइट्री की सबसे नोटेबल uh, uh, जो करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी वो क्या थी सचायर सेंसुअलिटी सेंसुअसनेस और सोशल रिफॉर्म तो सेंसुअसनेस जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट डज नॉट बिलोंग टू द लेक स्कूल देखिए लेक स्कूल से जो रिलेट नहीं करते थे वो किड्स ही हैं क्योंकि लेक पॉइंट जो होते हैं उसमें तीन पॉइंट्स आएंगे और तीन पॉइंट्स जो यहाँ लिखे हुए हैं एस टी कॉलरिज रॉबर्ट साउदी एंड विलियम वर्सवर्थ इन तीनों को लेक पॉइट्स भी बुलाया जाता है ठीक है तो किड्स इसका करेक्ट आंसर रहेगा जो लेक पॉइंट्स में नहीं थे विच वर्क वॉज डिस्क्राइब बाई किड्स एज अ फेवरिश अटैम्प्ट रैदर दैन अ डी डीड अकम्पलिस्ट चार ऑप्शन है हमारे पास एंडीम्योन हाईपेरियन द इवनिंग ऑफ सेंट एग्नीस एंड नन ऑफ दीज तो इसमें हमारे पास हाइपेरियन जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए वेन किड्स वेन डेट किड्स डाई किड्स कब गुजर गए थे तो इसमें चार ऑप्शन हैं सेवनटीन नाइन्टी फाइव सेवनटीन एटी नाइन एटीन ट्वेंटी वन सेवनटीन सेवनटी सेवन तो एटीन ट्वेंटी वन अभी हम डिस्कस करते हुए आ रहे हैं ठीक है एटीन ट्वेंटी वन में उनकी डेथ हो गई थी किड्स ड्रॉप द फर्स्ट स्टेंजर ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स ही इट वॉज़ फ्रॉम यानी कि क्या हुआ था जब उन्होंने एक ओड लिख दिया था लेकिन जब 1820 में वो पब्लिश हो रहा था तो उन्होंने उसका फर्स्ट स्टैंडर रिमूव कर दिया था ठीक है तो वो हमारे पास कौन सा था ओड टू मैलन कली था ओ टू मैलन कली विच पोएम ऑफ द किड्स ऑफ किड्स हैज फॉलोइंग लाइन्स हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दो आर अनहर्ड आर स्वीटर देयर फोर ये सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन तो ये हमारे पास क्या रहेगा ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न ये पहले भी आ चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा और लाइन को इसने आगे जो है एक्सटेंड करके पूछा है तो उस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है नेक्स्ट देखिए फॉर होम किड्स यूज द टर्म ईगोस्टिकल सब्लाइम इगोटिस्टिकल सबलाइम जो है किड्स ने किसके लिए यूज़ किया है तो इसमें हमारे पास वर्ड्स वर्थ रहेगा इसका करेक्ट आंसर ठीक है वर्ड्स वर्थ को उन्होंने उसके लिए जो है फ्रेज़ यूज़ किया है ईगोटिस्टिकल सबलाइम नेक्स्ट देखिए विच ऑ दीज इस नॉट अ वर्क बाई जॉन किड्स इसमें से जॉन किड्स ने कौन सा नहीं लिखा है ओ टू ओटम टू नाइट इजाबेला एंड द पोइट द पोट ऑफ बैसिल तो इसमें हमारे पास बी ऑप्शन रहेगा टू नाइट ये इन्होंने नहीं लिखा है बल्कि ये एक पोएम है ये पी बी शैली ने लिखी है किसने लिखी है पी बी शैली ने और कब लिखी थी एटीन ट्वेंटी फोर में इस पोएम को लिखा गया था F. Scott Fitzgerald was a great admirer of the poetry of John Keats so much so that he named one of his novel with a line from one of the poems of Keats. Which which poem was it? यानी कि जो F. Scott Fitzgerald है वो उन्होंने उस पoइंट को उस पoइंट को खूब admire किया है और वो पoइंट उनकी कौनसी है? हमारे पास चार ऑप्शन है ओ टू नाइटिंगल ओ डोन अग्रेशन ऑन ओ टू ऑटम एंड ओ टू साइकी तो इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो रहेगा ओ टू नाइटिंगेल इसका करेक्ट आंसर रहेगा जिससे फिज स्कॉट फिजरल्ड ने जो है इसको खूब एडमायर किया है खूब प्रेज किया है विच इज़ जॉन कीट्स फर्स्ट पॉइम फर्स्ट पॉइम जॉन जॉन किड्स की कौन सी थी तो इसमें हमारे पास रहेगा ऑन लुकिंग एट चैप होमर इनकी फर्स्ट पॉइम थी नेक्स्ट देखिए एंडीमियन बाई किड्स इज द स्टोरी ऑफ अ यंग शेफर्ड लव्ड बाय द मून गॉडेस यहाँ पे एक यंग शेफर्ड होता है जिसको मून गॉडेस जो है वो पसंद करती है लव करती है किड्स टुक द स्टोरी फ्रॉम और ये स्टोरी जो है किड्स ने कहाँ से ली है ये रहेगा ग्रीक माइथोलॉजी से इसने ये ली है देखिए ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी वर्क लिखे थे इसलिए उनको ग्रीक पोइट भी जो है आर्नल्ड ने बुलाया था टू सम्प्रेरीज ही अपियर एज मेम्बर ऑफ द कोकनी स्कूल ऑफ पोएट्री हु इज ही ठीक है जो इन्होंने कहा है कि ही अपियर फ्रॉम दर ओके और ये किसने कहा था शैली कीट्स बायरन और साउदे तो इसमें हमारे पास रहेगा कीट्स ठीक है हु इज ही कीट्स हु सेट माई हार्ट एक्स एंड अ ड्राउजी नर्मनेस पेंस ये किसने कहा था कि मेरा दिल दुखता है एंड अ ड्राउजी नर्वनेस फील्स और ड्राउजी नम्बनस मुझे फ़ील हो रही है शैली टेनिसन कीट्स और वर्ड्स वर्थ तो इसमें हमारे पास कौन रहेंगे कीट्स रहेंगे तो ये देखिए ये आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि किड्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमारे पास जब पेपर में आता है तो थोड़ा सा हमें इसको रिकॉल करना ज़रूरी हो जाएगा और ये किस में क्या है ओड टू ओ टू इसको कहा गया है, है? है. ठीक में इसको कहा गया देखिए, शेक्सपियर इसमें हमारे पास चार ऑप्शन है पीबी शैली एस टी कॉलरिज वॉल्टर पेटर एंड मैथ्यू आर्नोल्ड तो मैथ्यू आर्नोल्ड इसका करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट देखिए किड्स पोइट्री इज अबनडेंटली एंड एनचेंटिंग सेंशुअस हु हैज़ मेड दिस कॉमेंट अबाउट द पोइट्री ऑफ किड्स यानी किड्स की पोइट्री को, uh, को लेकर के एक कॉमेंट किया गया कि अबडेंटली एंड एनचेंटिंग सेंशुअस तो वो किसने कहा था मैथ्यू अर्नोल्ड आर्नल्ड सॉरी मैथ्यू आर्नल्ड एच डब्ल्यू गैरोड मिडल्टन म्यूरी एंड ओलीवर एल्टन तो इसमें हमारे पास कौन रहेंगे मैथ्यू आर्नल्ड रहेंगे नेक्स्ट देखिए अलोंग रोमैंस एंड टाइडल एंडी इज रिटन बाय ये किसने लिखा था किड्स ने लिखा था ये हम काफ़ी पढ़ के आ चुके हैं चलिए नेक्स्ट देखिए जॉन किड्स वॉज जॉन किड्स किस तरीके के पोइट थे क्लासिकल पोइट सेंटिमेंटल पोइट डिडेक्टिक पोइ और हेलेनिस्टिक पोइट तो इसमें हमारे पास कौन सा रहेगा हेलेनिस्टिक पॉइट जो रहेगा इसका करेक्ट आंसर रहेगा ठीक है ये रोमांटिक पोइट्स के साथ साथ जो है इनको हेलेनिस्टिक पॉइट भी कहा जाता है तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जोन किड्स के बारे में आई होप आपको समझ आया होगा कुछ आपको क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और इसी तरीके से बाकी राइटर्स पर भी आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है ठीक है अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन भी मिल सके थैंक यू वेरी मच